पकड़ साहब, सपोज यूर इन लव विद अ गर्ल एंड शी इज मैरिड टू समबडी, और आप बार बार इंटरनेशनल फोरम पे जाके बोलोगे शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, नो नो शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, फिर वो आती है, वो आती है गुस्से से, वो बोलती है ये कौन है फकर यूसुफ जाई, आई एम वेरी हैप्पी विद माय हस्बैंड। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मोहित माथुर और जर्नी टू अखंड भारत यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है उसमें इंडिया के एक लड़के और पाकिस्तान के एक लड़के के बीच में डिबेट होती है, जो वीडियो बहुत मज़ेदार है, जो आप वीडियो को जरूर देखिए जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, और मैं आपके साथ वीडियो के लास्ट तक बना रहूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। हिंदुस्तान ये बात बार बार ये वो करेगा कि जी जी आप ऐसे हैं, तो वो कहते हैं ना कि चुप रही है ना, एक उंगली दूसरे की तरफ नहीं, दूसरे मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, जब आप एक उंगली तरफ करते हैं, चार सालों से आप लोग हमारे साथ कर रहे थे, कहते हैं हम बड़े हैं, ये क्लेम करते हैं ना, पूरे हिंदुस्तान करता है कि हम बड़े हैं, हम कहते हैं आप बड़े हैं ना, ठीक है पाकिस्तान वीक है, तो क्या इसका मतलब है कि आप जो वीक होगा आप उसको दबोच के रख के उसके गर्दन के ऊपर बैठ जाएंगे। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल यार। देखो मैं कहता हूं अफगानिस्तान बॉर्डर पे कुछ चल रहा हो, कहीं और चल रहा हो, लेकिन यार एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर हिंदुस्तान ये बात बार बार ये वो करेगा कि जी जी आप ऐसे हैं, तो वो कहते हैं ना कि चुप रही है ना, एक उंगली दूसरे की तरफ नहीं, दूसरे मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, जब आप एक उंगली किसी और की तरफ करते हैं, चार सालों से आप लोग हमारे साथ कर रहे थे, लिसन लिसन से यही चीज नहीं, देखिए मैं यार मैं याना जी मैं एक बात आपको मिर्ची लगी, मिर्ची लगी नहीं, मिर्ची लगी आपको अभी। मर्जी दोनों खवातीन कह सकती हैं, कोई मसला नहीं है यार, मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ, बट द थिंग इज कि जो चीज सही होगी उसको मैं सही कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो गलत है यार उसको गलत कहूंगा। उसकी वजह ये कि ठीक है मैंने कहा ना कि बिलावल जरदारी साहब जो है वो एक्सपीरियंस आदमी नहीं है, आप तो भाई जयशंकर साहब आप तो 135 करोड़ की डेमोक्रेसी के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और आपकी कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो आप करें ना अच्छी बात, क्यों आप कहते हैं, क्योंकि आप मैं यकीन करें मैं मॉनिटर करता हूं जयशंकर साहब, मुझे पसंद है, मैं उनकी स्पीचेस और ये सारी चीजें मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूं और मैं सुनता हूं उनकी पूरी पूरी स्पीचेस घंटे घंटे की। उस दिन एक इंटरव्यू उन्होंने हिंदुस्तान में दिया, बात यह कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर आप ये कहेंगे पाकिस्तान कमजोर है या कुछ भी है, बेशक मैं कहता हूं ना पूरे दुनिया में मांग रहा है, हिंदुस्तान से नहीं मांग रहा, हिंदुस्तान से नहीं मांग रहा, हालांकि वही तो गलती है। नहीं नहीं सुने, मैं गलती उसकी तरफ भी आ रहा हूं, मैं उसकी तरफ भी आता हूं, आइडिया दे रहा हूं बिल्कुल आइडिया दे, मैं ये कहता हूं कि यार अगर आप इंडिया इज लिटरली वेटिंग, ये कब हमसे भीख मांगे फिर देखो अभी हम दिखा, नहीं 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 देखो मोदी जी ने अपनी जेब में हाथ डाल दिया होगा बस आने वाले हैं। खैर मोदी जी बड़े जो है ना बड़े सियाने आदमी है, वो बड़े तेज आदमी है वो। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए फकर साहब, आई गॉट योर पॉइंट, यू टेल मी वन थिंग, मैं मान गई एक हाथ से ताली नहीं बजती। पिछली बार यूएनजीए में हमारे मोदी जी क्या बोल रहे थे, ही वाज बेचारे ओनली सेइंग क्लाइमेट कंट्रोल ये भाई वो, हम ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं, वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं, आपके वजीर आला आकर क्या बोलने लगे, ओ कश्मीर ये कश्मीर वो कश्मीर ये, पता नहीं 800 बार उन्होंने कश्मीर बोला है, तो यू टेल मी आप बताइए ना, वो फंस जाती थी पहले एक एक में कहता हूँ ना, एक काम क्यों नहीं हो सकता, यानी कश्मीर है ना, कश्मीर एक मुद्दा तो है, ये बात तो हम इसको हम जो मर्जी कह नहीं है, मुद्दा नहीं है, नहीं है पाकिस्तान मुद्दा बनाता है, आप मैं कहता हूं कि इसको वंस फॉर ऑल खत्म क्यों नहीं किया जाता, कैसे करें, मुझे ये यकीन करें मुझे अब लगता है कि शायद हिंदुस्तान भी अब ये नहीं चाहता कि ये बीच में से जो हड्डियां नहीं खत्म हो जाएगी, फिर एक दूसरे को बुरा भला फिर कैसे कहेंगे, और शायद पाकिस्तान भी यही चाहता है कि अगर कैसे खत्म करें, वही आना कह रही ना कैसे करें, नहीं सुने बिल्कुल ये जबरदस्त पॉइंट है कि कैसे खत्म करें, दुनिया में क्या कश्मीर इज द ओनली डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज, नो, पूरी दुनिया में इस तरह के इससे बड़े बड़े डिस्प्यूट्स हैं, वो हल हुए, ये डिस्प्यूट क्यों हल नहीं हो सकता, हम क्योंकि बैठने ही नहीं चाहते एक, अच्छा हिंदुस्तान कहते यार जी टेरर और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती, भाई यार आई टेल यू वन थिंग, बिल्कुल सही है, मेरी बात बिल्कुल सही है, आप मेरी बात सुनिए, जी जी आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है ना, सपोज पकड़ साहब, सपोज यू आर इन लव विद अ गर्ल एंड शी इज मैरिड टू समबडी, और आप बार बार इंटरनेशनल फोरम पे जाके बोलोगे शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, नो नो शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, फिर वो आती है गुस्से से,
फिर इंटरनेशनल फोरम में शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, शी शुड बी विद मी, अच्छी गोली खेलूंगा एक सेकंड मगर उनको कंप्लीट करने दे जी, याना आप बात करें, आईडिया अच्छा है वैसे बात करने, हां नो सो इमेजिन अगर फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम में बोलते ना, नो आपने बड़ा जो है ना इस पे मूवी बननी चाहिए, फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम पे जाकर बोलते हैं नहीं नहीं उस बेचारी लड़की की राइट्स छीनी गई, उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई, वो हर जगह जाके बोल रही है आई एम हैप्पी विद माय हस्बैंड, ये हर जगह जाके बोल रहा है शी शुड बी विद मी, अब बताओ ये डिस्प्यूट कैसे, हस्बैंड क्या बोलेगा उसका, ये साला होता कौन है, इसको तो मैं काट के इसकी बीवी भी अपने पास लाऊंगा, अभी बोलेगा ना हस्बैंड, तो पीओके की बात इसीलिए उठी है, तो इसीलिए दैट जो इंटरफेयरिंग बॉयफ्रेंड है ही हैज टू स्टॉप ना फर्स्ट, हाउ कैन यू टेल द हस्बैंड एंड द वाइफ टू स्टॉप, सो दिस इज द थिंग, ये इशू है, आई होप मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया, नहीं नहीं बिल्कुल, मैं मतलब ये एग्जांपल मुझे बड़ी अजीब लगी, खुशी की हालत में बड़ा जीता खुशी, पगर की खुशी कंट्रोल नहीं हो रही, शायद ये सच में उनके साथ हुआ, नहीं जाना समझिए कि मैं बिलावल की तरह, अगर आप कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड नहीं है तो फिर आपको वहां पे इसके ऊपर इतनी इतना गुस्सा क्यों आता है, आप कहेंगे भाई मेरा कोई मतलब मुंबई के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता, हैदराबाद दक्कन के बारे में क्यों कोई बात नहीं करता, किसी और सिटी के बारे में क्यों कोई बात नहीं करता, कश्मीरी अभी तक वो ले नहीं पाए, कश्मीरी अभी ले नहीं पाए, तो हम दिल्ली तक मुंबई तक क्या पहुंचेगी औकात ही नहीं है, पहले कश्मीर 70 साल से कश्मीर की बात कर रहे हैं वो नहीं ले पा रहे, उल्टा जो उनका था बांग्लादेश वो भी चला गया हाथ से, तो भाई ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, चलिए मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ।